आप पति को बोलते हो मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, अपन निपट लेंगे। बच्चों को कहते हो मैं बैठी हूं, मैं बैठा हूं। पर सबसे ज्यादा अगर सेफ्टी, सिक्योरिटी, और अगर कोई अपना, अपने परिवार से भी ज्यादा अगर कोई निकट है तो वो कौन है? आपका परमात्मा है। उसे अगर एक बार भी कह दिया जाए ना दिल से, प्रभु मैं तेरा, तू मेरा, मेरे परमात्मा मैं तेरा, तू मेरा, मेरे राम मैं तेरा, तू मेरा, जोर से देखो प्रसन्नता आई कि नहीं आई? आई ना। देखो संसार का ना धर्म है, नियम है बदल जाना, है ना। पहले जो था वो अभी नहीं, अभी जो है वो कल नहीं, बदल जाना। बदला है आपके जीवन में या कांस्टेंट है? कुछ तो बदला होगा, बदला है, बहुत कुछ बदला है। पर इन सारे बदलावों के पीछे आपका जो प्रियतम भीतर बैठा वो कभी नहीं बदला। तब भी याद करते थे आपको शांति मिलती थी, आज याद करते हो आपको शांति मिलती है, कल भी याद करोगे आपको शांति मिलेगी। केवल याद करो, बस स्मरण करो, बस। हो सकता है कि आपके पुकारने पर शायद पति ना आए, हो सकता है आपके पुकारने पर आपका बॉडीगार्ड ना आए, पर आपके पुकारने पर परमात्मा की प्रसन्नता और सुरक्षा प्राप्त ना हो, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। तीनों काल, चारों अवस्था में कहीं पर भी चले जाओ, ईश्वर की बहुत मजबूत सुरक्षा है। इंदिरा गांधी जेड प्लस सिक्योरिटी में रहती थी ना। क्या हुआ, लग गई? राजीव गांधी जेड प्लस सिक्योरिटी में रहते थे, फिर भी तोड़ निकालने वालों ने अपना तोड़ निकाल लिया। पर कुछ ऐसे महापुरुष जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनकी हजारों दुनिया आलोचना करती है, फिर भी उनका बाल बांका कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी में रहती। मानना पड़ेगा। तो राम सबका रखवाला है, कहते भी है जिसको राखे राम। जाको राखे मार सके ना, बाल ना बांका करी सके, चाहे जग बैरी हो। जग कितना ही वैरी क्यों ना हो जाए, फिर भी जो राम की सुरक्षा में है उसका बाल बांका हनुमान का रावण नहीं कर पाया, अंगद का रावण नहीं कर पाया। शत्रुओं की छावनी के बीच ललकारने की ताकत उसी में हो सकती है जो राम की सुरक्षा के भीतर रहते हैं, है कि नहीं? तो सतत राम हमारे साथ है। हर व्यक्ति को इस बात का एहसास जरूर होना चाहिए कि मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर मेरे साथ है, मैं गुरु का हूं और गुरु मेरे साथ है। जब ये चित्त में स्फुरण हो जाता है, फिर आप कहीं पर भी चले जाओ, धरती क्या, पाताल क्या, नरक क्या, स्वर्ग क्या, ब्रह्मांड के तीनों लोकों में आप गति कर लो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर राम आपके साथ है, गुरु का नाम आपके साथ है। जय श्री राम, जोर से थोड़ा हिम्मत के साथ, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ा शांत होके परमात्मा की शक्ति को अपने भीतर उतारने का प्रयास करना चाहिए। संध्या एक ऐसी शक्ति है कि जहाँ पर दो समयों का मिलन होता है, दो सुबह संध्या और शाम की संध्या, दिन अस्त होता है और रात शुरू होती है, उसके बीच का जो संयोग है वो संध्या है। आपको पता होगा हमारे भारत में तो दो नदियों का संगम बड़ा पुण्यदायी स्नान माना जाता है, प्रयाग में तीन नदियों का संगम कुंभ माना जाता है, है ना। कुंभ में सबसे सबसे अधिक प्रयागराज तीर्थ
प्रयागराज कहते हैं, तीर्थों का राजा प्रयागराज। क्यों? क्योंकि तीन नदियों का संगम होता है, तीन भी मुख्य मुख्य नदियों का संगम होता है। तो जहां पर भी दो नदियां, दो व्यक्ति जहां मिलते हैं, जैसे दो संत मिलते हैं तो आपस में ज्ञान की चर्चा होती है, एक शरीर दूसरे शरीर से मिलता है तो सृष्टि की रचना होती है ना। तो संगम होता है, वो कुछ न कुछ देता है, कुछ न कुछ दे के जाता है। तो संध्या दो समयों के बीच का ऐसा समय है कि उसके बीच में हमारा चित्त अगर थोड़ी देर के लिए भी शांत हो सकता है, चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे काम करते हो, चाहे कुछ करते हो, केवल कुछ देर के लिए अगर शांत हुआ जाए तो इन दोनों समयों के बीच की संध्या का फायदा हम पूरे दिन को कुछ भी ना करें, केवल दो दो मिनट केवल संध्या पर शांत होकर बैठे रहे तो अद्भुत लाभ प्राप्त होता है।